हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। अमेरिका के ठीक नीचे साउथ अमेरिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है जिसके टॉप के ऊपर एक देश है वेनेजुएला। पिछले काफी समय से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कई सारे कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब क्योंकि वेनेजुएला एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसलिए वेनेजुएला के क्रूड ऑयल बेचने के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाकर रोक लगा दी हुई है। अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और वहां की गवर्नमेंट के ऊपर कई बार यह आरोप लगा चुका है कि ये लोकतंत्र में पावर का मिसयूज कर रहे हैं, सरकार ओपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है और देश में ह्यूमन राइट अब्यूजेस यानी कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके रिप्लाई में वेनेजुएला कहता है कि वो अमेरिका के इशारों के ऊपर नहीं नाचते हैं, इसलिए अमेरिका उनसे बदला ले रहा है और उनके ऊपर कड़े सैंक्शंस लगा रहा है। अब जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसके बाद वेनेजुएला ने रशिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है और पिछले कुछ सालों में रशिया और वेनेजुएला के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन लगातार बढ़ते जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने पहले ही अनाउंस किया है कि जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करेगी, अमेरिका उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा और उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई कंपनी वेनेजुएला के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड करना चाहती है तो उसको उससे पहले अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से ही काफी हाई चल रही हैं और अमेरिका के सैंक्शंस के कारण वेनेजुएला अपने क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। और इसी डिस्काउंट के ऊपर नजर पड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो कि गुजरात के जामनगर में ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है। यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, जेट फ्यूल, एविएशन फ्यूल और कई सारे बाय प्रोडक्ट्स यूरोप और दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत तो नहीं कर सकती है और एक क्रूड ऑयल के कारण जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अमेरिका में बाकी के बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो खराब हो सकते हैं। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन मांगी। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन दे दी है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है। अब इसी तरह की सेम परमिशन भारत की स्टेट ऑयल कंपनी ONGC ने भी अमेरिका से मांगी है और पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ONGC को भी परमिशन दे दे, जिसके बाद भारत रशिया के बाद वेनेजुएला से भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर पाएगा। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत की केरला स्टेट से। दरअसल केरला की सरकार ने सभी हदों को पार करते हुए अपने फॉरेन सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की है। फॉरेन सेक्रेटरी किसी भी देश की यूनियन गवर्नमेंट और केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उसका काम होता है दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्सुलर सर्विसेज और एडवाइजरी प्रोवाइड करना, बाकी देशों के साथ संबंधों को देखना। कई देशों में तो खैर विदेश मंत्री ही नहीं होता है, वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी होता है, जैसे कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। लेकिन भारत के अंदर विदेश मंत्री अलग से होता है और फॉरेन सेक्रेटरी अलग से, और फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर किसी भी एक सीनियर IFS ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अब केरला देश की पहली स्टेट बन गई है जिसने अपने लिए खुद का फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि केरला की सरकार ने एक IAS ऑफिसर को एडिशनल चार्ज देकर इसको सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्निंग एक्सटर्नल कॉपरेशन का टाइटल दे दिया है, यानी एक्सटर्नल कॉपरेशन से संबंधित मामलों का एक सेक्रेटरी। केरला सरकार का कहना है कि उनका विदेशों में बहुत ही बड़ा डायस्पोरा है, इसलिए उनसे संबंधित मामलों और उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब केरला देश की पहली स्टेट है जिसने इस तरह का स्टेप उठाया है और हो सकता है कि केरला के बाद इस तरह का कदम और भी बाकी स्टेट्स उठाएं। जबकि देश में सभी स्टेट्स के एक्सटर्नल मैटर्स की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि केंद्र सरकार। फिलहाल तो खैर विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया है, लेकिन केरला की सरकार भी अपनी इस अपॉइंटमेंट के ऊपर अड़ी हुई है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में जो वहां पर प्रोटेस्ट और वायलेंस हो रही थी उसका मुद्दा उठाया था और कहा था कि बांग्लादेश में वहां पर अशांति और जो वायलेंस हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश से शरण लेने के लिए जो भी लोग उनके राज्य आएंगे वो उनको नहीं रोकेंगी और वेस्ट बंगाल में एंटर होने देंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी रिफ्यूजीज को लेकर यही कहता है। ममता बनर्जी ने तो खैर इस तरह की स्टेटमेंट देकर मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इसके ऊपर भारत से आपत्ति जताई है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि ममता बनर्जी की स्टेटमेंट ये काफी भड़काऊ स्टेटमेंट थी और उनके इंटरनल मैटर्स यानी कि बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों के ऊपर गलत टिप्पणी की गई थी। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को शरण देने की बात बोलना ये आतंकवादी और शरारती तत्वों को उकसा सकता है। अब इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इसको लेकर एक बयान दिया है जिसमें भारत ने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर वहां पर क्या हो रहा है वो बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है और उसमें भारत बिल्कुल दखल नहीं देगा। और जहां तक बात है ममता बनर्जी की स्टेटमेंट की, तो बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी करने का वेस्ट बंगाल की सरकार का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ना ही उनके पास कोई अधिकार है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और इसराइल को लेकर। आपको याद होगा इसराइल ने अभी कुछ ही महीने पहले 10,000 स्किल्ड वर्कर्स मांगे थे। इसी को लेकर पिछले कल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने संसद की पटल के ऊपर एक जानकारी दी है
न्यूज आ रही है कि 10,000 में से केवल 4,825 इंडियन वर्कर्स को ही अभी तक इसराइल भेजा गया है, और इन 4,825 में से 4,415 अकेले यूपी स्टेट से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से। इसके बाद 156 है हरियाणा से, और उसके बाद 149 बिहार से। इसके अलावा जो बाकी के 105 वर्कर्स हैं वो देश के 14 अलग अलग राज्यों से हैं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है ईरान और अर्मेनिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अर्मेनिया और भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, और पाकिस्तान और अजरबैजान के, इसलिए भारत अर्मेनिया को कई सारे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट लगातार सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब भारत अकेला नहीं है, बल्कि अर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ एक और देश का साथ मिल गया है, और वो है ईरान। अर्मेनिया को कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स की काफी सख्त जरूरत थी, जो कि एनिमी के टारगेट के ऊपर जाकर खुद को हिट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। और जो पिछला अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें अजरबैजान ने भी इन्हीं सुसाइड ड्रोन्स को काफी हैवीली यूज किया था, जो कि उसने टर्की और इजराइल से परचेज किए थे। अब देखा जाए तो एक तरफ ईरान शिया मुस्लिम देश है, जबकि अजरबैजान सुन्नी मुस्लिम देश है, लेकिन दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं। मगर फिर भी न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने अर्मेनिया के साथ $500 मिलियन की एक डिफेंस डील साइन की है, जिसके तहत ईरान अर्मेनिया को सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई करेगा। ये वाकई में अर्मेनिया के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स काफी कारगर और लीथल साबित हो रहे हैं। अब अर्मेनिया के पास भारत के साथ साथ ईरान की भी सपोर्ट है। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है पंजाब के पठानकोट से, जो कि जम्मू रीजन के बॉर्डर के ऊपर ही पड़ता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल पठानकोट के एक बॉर्डर के गांव में 7 पाकिस्तानी आतंकी एंटर हो गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने तक इंडियन आर्मी और पंजाब पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है। पठानकोट का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, और पॉसिबिलिटी है कि ये वहीं से एंटर हुए हों। न्यूज निकल कर आ रही है कि पठानकोट के फंगताली गांव की एक महिला जब घर के ऊपर थी, ये सातों वहां पर अचानक से आ गए थे और उस महिला से पानी मांगने लगे। पानी पीने के बाद ये सातों वहां से अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस को जाकर इसकी सूचना दी। पुलिस ने एक स्केच भी जारी किया है, और अब इन सातों की तलाश जारी है। आज की सेवंथ अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले कल सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण जम्मू रीजन में आर्मी कैंट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनको टेम्परेरी समय के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू रीजन में आर्मी कैंट के अंदर कई सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स और केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं, और ये सब के सब अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इन सब स्कूल्स में कई सारे स्टूडेंट्स बाहर सिविलियन एरिया से भी आते हैं। सिविलियन व्हीकल्स और बसेस भी आर्मी कैंट के अंदर एंटर होती हैं। इसी कारण से सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए इन सभी स्कूल्स को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इंटेल मिला है कि जम्मू रीजन में आर्मी कैंट के ऊपर कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, और देखा जाए तो पिछले 45 दिनों के अंदर ही जम्मू डिवीजन में 15 आतंकी हमले अभी तक हो गए हैं। और जो ये फैसला किया गया है, ये पठानकोट में 7 आतंकी वाली न्यूज के बाद ही लिया गया है। पाकिस्तान लगातार जम्मू रीजन में आतंकवाद को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार अभी भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर करके बैठी है। आज की एट्थ अपडेट आ रही है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी और एक्स क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पिछले कल ये मांग की है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं भेजनी चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, वहां पर उनके खुद के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है, इसलिए पाकिस्तान जाना मुझे नहीं लगता है कि हमारी टीम के लिए सुरक्षित होगा, यानी कि सेफ होगा। और बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल सही है, और प्लेयर्स की सेफ्टी के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। आज की नाइन्थ अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि चाइना ने फलस्तीन की 14 फैक्शंस को बीजिंग बुलाया था। इसमें हमास और फतह भी शामिल थे, जो कि पिछले 17 सालों से आपस में लड़ रहे थे। चाइना ने 14 की 14 के बीच नेगोशिएशंस करवाकर फलस्तीन की इन 14 फैक्शंस को यूनाइट करवाया, और इनसे अपील की कि ये सब एकत्रित होकर इसराइल के खिलाफ एकजुट होकर लड़े, तभी फलस्तीन को आज़ादी मिल पाएगी। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने नेगोशिएशंस में हिस्सा लेने के लिए ना सिर्फ फलस्तीन के इन 14 गुटों के लीडर्स को बुलाया था, बल्कि 10 इस्लामिक देशों को भी इन नेगोशिएशंस पे इनवाइट किया गया था। इसके अलावा रशिया को भी अलग से इनविटेशन दिया गया था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं भेजा, जबकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, और पाकिस्तान ने रिसेंटली इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित किया था, और फलस्तीन के हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात बोली थी, लेकिन तब भी पाकिस्तान को चाइना ने इन्वाइट नहीं किया। आज की 10th अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। भारत के बाद अब यूक्रेन ने चाइना से मदद मांगना स्टार्ट कर दिया है, और न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा चाइना के विजिट के ऊपर गए हैं, और चाइना से मदद मांग रहे हैं कि वो रशिया को युद्ध रोकने के लिए कहे और रशिया अपनी फोर्सेज यूक्रेन की टेरिटरी से वापस ले ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।